सो दिस इज द बीएसएफ एंट्री पॉइंट राइट वेयर वी हैड अ लंच. तो ये है तकरीबन 2-3 किलोमीटर पहले डेजर्ट से. तो यहाँ पे अपना पास चेक होगा. धन्यवाद जी. आज सुबह हम निकले थे भुज से और हमने कवर किया पहले कालो डूंगर और उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे ढोरडो जहाँ पे अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं रन ऑफ कच्छ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. तो लैंडस्केप में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन देखने को भी हमें मिला. जो आसपास के डेजर्ट की मिट्टी है वो ब्राउन से एकदम से सफ़ेद होती चली गई और सामने नज़र आ रहा है एकदम सफ़ेद मैदान विच हैज़ टू बी रन ऑफ कच्छ. सो आफ्टर हार्डली 5 मिनट्स ऑफ ड्राइव आफ्टर दैट एंट्री पॉइंट वी हैव नाउ रीच द पार्किंग स्पॉट फॉर द रन ऑफ कच्छ. तो गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी और यहाँ पे काफ़ी ऊँट वाले और कैमल कार्ट वाले नज़र आ रहे हैं जो अंदर तक लेके जा सकते हैं. बट राइट नाउ इट्स टू हॉट फॉर दैट. अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के. सो लेट्स सी व्हाट दिस वॉच टावर इज़ ऑल अबाउट. सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द वॉच टावर. पूरा अपने आप में एक सिटी बसा हुआ है यहाँ पे. काफ़ी सारे कैमल कार्ट्स हैं, हॉर्स कार्ट्स हैं जो कहते हैं कि आपको आगे तक लेके जाएंगे. खाने पीने का भी है यहाँ पे, शैक्स, कैंटीन्स. एक पीछे एक एरिया था वहाँ पे डांस वगैरह का प्रोग्राम का भी फंक्शन लग रहा था. देखते हैं ऊपर चल के कैसा दिखता है वाइट रन ऑफ कच्छ. नाउ दिस इज द लास्ट लेग ऑफ माय क्लाइंब एंड हियर दे आर एंड हियर वी आर ऑन दिस वॉच टावर. और जहाँ तक हम देख सकते हैं वाइट डेजर्ट. कैमल कार्ट्स के टायरों के निशान भी दिख रहे हैं हमें कि वो कहाँ तक लेके जाते हैं. और उसके पीछे बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल वाइट. सो फाइनली वी हियर फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ द डे, वाइट रन ऑफ कच्छ. It spreads for more than 26,000 square kilometers. So you can just imagine the area that is behind me. And it is actually like this spreads across India and Pakistan. Majorly in India, ज़्यादातर part जो है इसका कच्छ का run of कच्छ जिसे हम कहते हैं, जो पूरा marshy area है ज़्यादा India में है. थोड़ा सा part Sindh area Pakistan में भी है. But this is the area. So if you keep running, I think you can reach Pakistan. So we don't have any intention of doing that. Let's just enjoy the views from here. Okay, this salt is not for eating. Don't eat the salt. You can play with the salt, but don't eat it. Yes, let's take a walk in the desert. अच्छा जूते मिट्टी मिट्टी हो गए. Yes, salt, salty salty हो गए. Salty salty जूते हो गए. So this is the great white desert of Kutch. चारों तरफ नज़र घुमाए तो सफ़ेद रंग का नमक वाला रेगिस्तान. So the time right now is 4:24, तकरीबन 4:30 बजे. सनसेट का वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है. और प्लान ये है कि सनसेट से थोड़ा पहले तकरीबन 5 बजे के करीब एक कैमल कार्ट की राइड भी करेंगे. तो देखते हैं कैमल कार्ट वाला कहाँ तक घुमा के लाता है. बट राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग दिस डेजर्ट. वी जस्ट स्ट्रोलिंग, घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं. अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो हाउ डिड यू फाइंड द डेजर्ट? डिड यू लाइक इट? आई लव्ड इट. You loved it. I also loved it. So the altitude at this place is -25 meters. तो इसका मतलब अभी हम लोग सी लेवल से भी कम है. वही कारण है कि जिसकी वजह से डेजर्ट बने. ये डेजर्ट ऐसे बनता है कि साल के काफ़ी सारे महीने, अक्टूबर तक इनफैक्ट, यहाँ पे पानी भरा रहता है. उसके बाद जैसे जैसे ठंड बढ़ती है और बरसात का मौसम जाता है तो वो पानी उड़ जाता है और पीछे रह जाता है ये नमक जो आप मेरे पीछे अभी देख रहे हो. Okay.
तो कैमल कार्ट राइड के बाद अब कैमल राइड की बारी। तो हम पहुंच गए हैं वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ या रन ऑफ कच्छ जैसे फेमसली कहते हैं। बिल्कुल वाइट है, जिस बिल्कुल देयर इज नथिंग देयर, पूरा सफ़ेद है। ऐसा लग रहा है हम स्नो पे वॉक कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल सॉल्ट हियर। और अभी कुछ ही देर में हमें दिखने वाला है सनसेट। जस्ट लुक एट दिस, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, नो वेजिटेशन, नो अदर कलर, सिर्फ और सिर्फ सफेद रन। और ये कलरफुल हमारे गौरव और मेरी डॉटर। हमने देखा रानी की वाव, बहुत सुंदर जगह है। फिर हम गए मोढेरा सन टेम्पल, फिर कल दो दिन हम लोगों ने भुज घूमा और आज हम आए हैं यहाँ पे रन उत्सव में। और बहुत ही सुंदर है ऐसी जगह, और दुनिया में मेरे ख्याल से बोलीविया के अलावा कहीं देखने को नहीं मिल सकती सॉल्ट डेजर्ट। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और इसके अलावा चेंजिंग कलर्स हैं, अगर आप हर 10 किलोमीटर में ड्राइव करोगे आपको एक डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, जिस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है, वो सबसे बढ़िया लगा। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम जाएंगे आगे लखपत, फिर जाएंगे मांडवी और फिर वापसी दिल्ली की शुरुआत करेंगे। सो आई थैंक गुजरात टूरिज्म एंड ऑल द अथॉरिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग सच गुड सर्विसेज टू द टूरिस्ट। तो बस अभी कुछ ही देर में हो जाएगा सनसेट। इट्स हैपनिंग, इट्स राइट नाउ हैपनिंग, इट्स जस्ट देयर। इट्स ब्यूटीफुल टू सी द एंटायर सन जस्ट गोइंग डाउन। ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना समुंदर किनारे बैठे हुए हैं। पहली बार डेजर्ट में ऐसा सनसेट देखी है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज ऑलरेडी टच द होराइजन, सो ब्यूटीफुल टू सी द स्काई चेंज इट्स कलर, इट्स मैजिकल। एंड आई मस्ट से वन शुड experience it at least once in their lifetime. This is really magical. It's 6:25 in the evening and we are heading back. So Gaurav, how was your day? Badhiya, maza aaya. तो शाम को थोड़ा सा क्राउडेड हो जाता है, और हो भी क्यों ना, ये सनसेट के लिए फेमस है ये सनसेट पॉइंट। बाय द वे द टावर, दिस इज़ द सेम टावर जिस पे हम लोग चढ़े थे दोपहर के वक्त। तो ये जगह सनसेट के लिए फेमस है, तो सनसेट के टाइम पे ही ज़्यादातर तो लोग यहाँ पे आते हैं, विच इज़ फाइन। एंड हियर इज़ द रन ऑफ कच्छ एट 6:30 PM। Here right now, what we are witnessing is the moon rise.
that small ball-like structure is the moon. So here in front of us is the moon. The camera cannot do the justice to the beauty that we can see from our eyes. तो ये है टेंट सिटी जहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह बनाया हुआ है. काफ़ी अलग अलग फूड आइटम्स हैं यहाँ पे. मुझे लग रहा है पंजाबी राजस्थानी इस तरीके से अलग अलग पवेलियन टाइप बना हुआ है. पूरा फेयर जैसे लगता है. और शॉपिंग के लिए भी बहुत ऑप्शन है. शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है सुवेनियर्स वगैरह के लिए. पूरा मेला लगा हुआ है. तभी तो रन उत्सव है ना. इंडिया पोस्ट का वो भी बनाया हुआ है काउंटर. राइट. सो द टाइम इज 8:45. लेफ्ट में फोटो. अच्छे से हम लोगों ने रन ऑफ कच्छ देखा और अब डिनर करेंगे एंड विल गो टू आवर होटल आफ्टर दैट व्हिच इज इन होडका नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर. हेलो, आप कहाँ हो? तो यहाँ पे रन उत्सव में ऐसे काफ़ी सारे पवेलियंस हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और ऐसे फोटो बूथ वगैरह भी बना रखे हैं बच्चों के लिए. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे ट्रेडिशनल गुजराती कपड़े वगैरह हैं. काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है. वॉकिंग पाथ बनाया हुआ है और ये यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स हैं. यू कैन जस्ट नेम इट एंड गेट इट. गोलगप्पे से लेकर हर चीज़ है यहाँ पर. सो वी जस्ट एक्सप्लोरिंग कि कहाँ पे खाएं. इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग व्हेन यू हैव टू मच ऑप्शंस. कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे ये 2-3 महीने के लिए ही फेस्टिवल चलता है. पूरे का पूरा परमानेंट सिटी ही लग रही है. इनमें से एक में यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्मॉल मॉडल भी बनाया हुआ है क्राफ्ट एरिया में. इज इट स्टैचू ऑफ यूनिटी? हाँ, तो मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला. तो ये थमेटिक फूड कोर्ट है. हम 9 बजे आए हैं. ये थोड़ा सा यहाँ पे चहल पहल कम लग रही है. मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग फास्ट फूड वगैरह की तरफ ही हैं. तो हम भी उधर जाएंगे. और वो ऊपर स्ट्रीट लाइट के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो दैट इज़ द मून. सो व्हाट हैव यू गॉट? एंड इट इज हाउ मच इज इट फॉर? इट इज 20 रुपीज पीस फॉर 4 डबेली 80 रुपीज. लेट्स सी हाउ इट इज. तो रात के 10 बज गए और हम पहुंच गए हैं अपनी सुंदर सी हट में. वी होप दैट यू आर एंजॉयिंग आवर कंटेंट. इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस.